गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और अभी मैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हुआ था और कुछ स्पेशल काम के लिए आया था, तो अभी चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं क्या काम को लेकर के मैं आया हूँ यहाँ पे। एक्चुअली आज मॉर्निंग के अंदर जो हमें फर्नीचर का जो वर्क करवाना है वो आए थे, और उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला था कि एक ये आपके अंदर का जितना भी ये पोर्शन है उसका एक मेरे को वीडियो जो है वो बना करके दे देना, तो उससे उनको जो भी डिज़ाइन है वो उनको सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो इसी पर्पज़ के लिए मैं बेसिकली अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग भी बना लिया जाए ताकि उनका काम भी हो जाएगा और अपना भी एक ब्लॉग जो है वो बन जाएगा। तो अभी अपन अंदर एंटर कर चुके हैं, तो अभी सीधा चलते हैं अंदर और आपको भी पूरे कैमरे की नज़र से पूरा दिखाते हैं। तो अभी हमें जो जो पोर्शन यहाँ पे बनवाना है उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किचन के अंदर। तो किचन के अंदर हमें यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे ट्रॉलीज लग जाएगी एंड ये पूरा हमें कवर करवाना है। तो ये पोर्शन आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन, एंड यहाँ पे फिर अपने क्रॉकरी बॉक्सेस जो बनते हैं वो बॉक्सेस बन जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और क्रॉकरी बॉक्सेस आ जाएंगे, और उसके ऊपर जो ये वाला पोर्शन है इसको हमें पूरा कवर करवाना है। तो ये कुछ यहाँ पे पोर्शन रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे होल के अंदर आते हैं, तो होल के अंदर ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर ये हमारा जैसे कि यहाँ पे टेम्पल लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमें इसको पूरा कवर करवाना है फर्नीचर के अंदर, तो ये वाला पोर्शन। एंड यहाँ पे ये हमारे पास एक विंडो है, इस विंडो के लिए हम सोच रहे हैं कि वुडन के अंदर जो सीएनसी होती है उस टाइप का हम कुछ सेलेक्ट करें। तो अभी इसका फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं वो अभी क्लियर नहीं है, पर यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा एक पोर्शन रहने वाला है। और साथ में यहाँ के लिए भी उनका जो सजेशन था फर्नीचर वालों का वो ये सजेशन था कि एक्चुअली यहाँ पे भी हमें एक वुडन टाइप की जो सीएनसी रहती है उसमें हमें जाना चाहिए, तो ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन रह जाएगा। इसके बाद ये रहा हमारा एक वॉश बेसिन एरिया, तो आप देख सकते हो ये वॉश बेसिन एरिया है, तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमें कवर करवाना है, क्योंकि यहाँ से पाइप वगैरह नीचे उतरेगा तो वो ओपनली अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसे हमें कवर करवाना है। अब हम आते हैं आगे वाले रूम में। आगे वाले रूम में हम बात करें तो स्पेशली हमें जो यहाँ पे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है वो हमें पूरा कवर करवाना है, ठीक है, ये हमें पूरा पैक करवाना है। और उसके बाद ये हमारी वॉल जो है यहाँ पे टीवी पैनल बनेगा, तो ये टीवी पैनल के हिसाब से हमें पूरा इसको डिजाइन करवाना है टीवी पैनल के हिसाब से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने रूम्स की तरफ, रूम्स के अंदर हमें क्या चीजें करवानी है तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं अपने बड़े वाले रूम में, तो बड़े वाले रूम में ये हमारी सामने की तरफ वार्डरोब है, तो ये रही हमारी वार्डरोब, तो आप देख सकते हो ये वार्डरोब है, तो इस वार्डरोब को हमें पूरा कवर करवाना है यहाँ पे अपनी इसी के अंदर। और साथ में यहाँ पे साइड के पोर्शन में हमें इसमें जो ड्रेसिंग जो रहता है वो साथ में यहीं पे देना है। तो अब हमें यहाँ के लिए डिजाइन सेलेक्ट करनी है कि हमें स्लाइडिंग डोर्स चाहिए या जो ओपनेबल होते हैं नॉर्मल डोर्स वैसा हमें कर, तो वो अभी हम उनको एक वर्क अराउंड वीडियो चाहिए था तो मैंने उसके लिए ये शूट कर रहा हूँ अभी। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे छोटे वाले रूम की। तो यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर ये रहा पोर्शन जहां पे हमें पूरा ये वार्डरोब जो है ये हमें कवर करवाना है। नीचे आप देख सकते हो अभी गंदगी काफी ज्यादा पड़ी हुई है, तो यहाँ पे सफाई वगैरह भी करवानी है। और अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे वो एक्चुअली एक ग्लास डोर के लिए कह रहे थे, तो ग्लास डोर अगर बनवाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये वाला पोर्शन रहने वाला है। अब इसके बाद हम यहाँ आगे, तो आपका यहाँ पे एक अगर हम पैनल बनवाते हैं तो एक वुडन पैनल बन सकता है, जो भी होगा यहाँ के लिए हम डिसाइड कर लेंगे। तो ये कुछ हमारा जैसे कि पोर्शन रहने वाला है जो कि मकान के अंदर, जिसमें कि फर्नीचर वर्क ये हमें करवाना था मेनली। सामने की तरफ ये वॉल थी, इसको भी वो कुछ डिजाइन के लिए बोल रहे थे, पर अभी हम इसको देख लेंगे एक बार हम करवाएंगे, या फिर इस वॉल के ऊपर जिसकी वॉलपेपर वगैरह आते हैं उस तरीके की डिजाइन के लिए वो सजेस्ट कर रहे थे। तो अभी फाइनली क्या होता है, क्या चीजें डिसाइड होती है, अभी हम आज शाम को या फिर कल जिसकी संडे फ्री होते हैं तो जा सकते हैं वहां पे, तो वहां पे जाएंगे तो उनसे क्या बात होती है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो अभी मैं आया हुआ था साइट पे अभी दिन के समय, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो उनको चाहिए था वो भी शूट कर लेते हैं और अपना एक ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा है वो तो आपको बताना ही है कमेंट सेक्शन के अंदर,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आप नेक्स्ट बार हमारे चैनल पे वापस से आ पाए और अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।